मैं अक्सर मामलात अपने वाले साहब नाल गल्लां करना होना आ ते मां वाले साहब आखदे ने कि पता नहीं मां इन लगना है कि वक्त करीब है ते तू मैं इसी तू पंजाबी बोलना पाया कि तुसा मैं जरा वो लफज समझ आवन कि मां आखदे कि तू जनानकुना जे है जनान कुन्ना जी है ते तेरा दिल जनानिया वाला है ते मर्दा वाला दिल बड़ा कदे कोई मड़े ते बन गई ते मैं ये सोचना कि तू के कर से। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं आख्या कि क्यों इस किस्म दियां ते आने नहीं ये वक्त आना है कुल्लो मन अले हफान नी तलावत करके आखे इस चू ना कोई नबी मुस्तसना रहा ना कोई होर मुस्तसना आवे ये वक्त मड़े ते भी आना है तेने ते भी आना है बकाया ते भी आना है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे फैसले कुछ ऐसे मामलात तो सुन जिस वास्ते तुझा अपने हवास मुंतशिर होने तू महफूज रखने उस ते तू अपनी हिम्मत जमा रखी। ये जिस रात गल हुई उसी दिन सुबह ये वाकया पेश आया। मैं अपने वालिद साहब ने हवाले नाल तुसाने सामने के गल करा। मड़े वालिद एक खुली किताब है जेड़ा वर्क तुसी चाहो जिथू मर्जी पढ़ना चाहो पढ़ सकने हो। कोई ऐसी लुकी छुपी गल ते है नहीं है। कोई ऐसा तारीख कोशा ते है नहीं है कि जिस तू मैं पढ़ना चाहवा। मैं तो बल्कि आना कि हुण परदे च भी सुन हुण परदे च भी सुन। ये है कि कदे कारियां ना मजमा है तो मड़े वालिद साहब किबला की मौजूदगी कारी किरत करने हो जरा घबराने उलमा बैठे इन्ना ने कन्ना विच अज भी मड़े वालिद साहब की आवाज गूंजनी उसी ए गूंज ए अज भी अपने कन्ना च महसूस कर रहे हो सुन। ते उलमा भी जिस वक्त माइक अगे आने ते ए तकने कि स्टेज ते मड़े वालिद साहब बैठे उन्हां वा तक के तो मुहतात अंदाज में गुफ्तगू करने मीजाने नसीर ते ना फिट हो सकी ते ए होनी उठ खलोसी ते बोल पैसी ते ए मड़े वाले सवा अल्लाह हिम्मत ते जुर्र दिती गई कि जिस मैदान च भी जिस स्टेज ते भी जिस अंदाज विच भी बोलन मद्दे मुकाबिल जो भी शख्सियत आई उस सिर चुकाया है उस अल्लाह ए हिम्मत या हौसला ए नहीं दिता कि उसे उठा के कोई गल कर सके। कल मैं ते मेरे भाई गुलाम नजमुद्दीन ते मुबशर असी बाहर मैं जरा निकला मैं खैर निकला कोई बाहर निकला कोई बड़ा दिल होला होवे कुछ दिना तू मड़े अथरू रुके ते रोने ना कोई मैं कोशिश कर रहा है ते रोना नहीं आना या मैं क्या हो सकता मैं बाहर निकला कोई अब्बा की गल याद करा कोई गल करा तो रो पैसा। कल तो यह गल नहीं हो सकी लेकिन अज हाफिज साहब दी गल्लां सुन के कुछ अथरू वगे न। कल मैं अपने भाई नाल मिलना पाया तो मुबशर गड्डी चलाना पाया तो मैं सोचा रस्ते अजें ख्याल आ गया। मैं आख्या कि पहले कोई गल भी होनी गई तो मड़ा प्यो मड़े अगे खलोता होना आ तो मैं उसने कंड पिछे हो बिड़ना आ उसने ओले हो बिड़ना आ तो हूँ तो वो ओट रही कोई नहीं हूँ तो जिड़ी गल है माँ तो मेरे भरावों में खुद ही फेस करनी पैसी। ये मैं अल गल सोची गई तो इंज लगे कि मेरे प्यो मैं जवाब दिता है मेरे प्यो ये जवाब दिता है माँ के जामी कोई गल नहीं जगह तब्दील हुई है पहले मैं तेने मूह के होना है तू बड़ी कण पिछे होना है ते आज मैं तेने कण पिछे हाँ।
कण पिछे हाँ, कल कद तू मणि कण पिछे है ना, अज मैं तेरे कण पिछे हाँ, ते मैं तेरे कंड ना लगन दे सा, मैं तेरे कंड ना लगन दे सा। ते गल ये है कि उन्हां जो कुछ भी संगतां निभाईयां प्यार ने रिश्ते निभाए है, अज जिहड़े तुसीं बैठे हुए हो ते रोने पे हो ते याद करने पे हो, इस तों इलावा मैं के कर सकना ते तुसीं के कर सकदे हो, ए खराजे तहसीन है, होर असीं के कर सकदे हां। फालुल लिमा युरीद उस निशान है, जो चाहे वो करे, मैं या तुसीं असीं के कर सकदे हां। ते सबर ते इस्तकामत तों इलावा चारा वी कोई, ते अल्लाह असा मैं ते यही दुआ करना कि या रब्बुल इज्जत असा सबर भी दे ते इस ते अजर भी दे। ते इत्थे पीछे अजीम साहब तो पहले फारूकी साहब या किसी को शेर पढ़े या इतना अजीम साहब आखिया कि मैं थकिया पहले बड़ा हंसमुख मां बड़े हवाले ना गल की थी कि बड़े हंसमुख है ते बड़े चैन पे ते बड़े ते ए यकीन करो गल अजीम साहब ठीक की थी है। जिस दिन इन्हें मां उस जो मैं विसाल से थकिया वो क्यामत नहीं घड़ी है या क्यामत ही इस चीज मैं फर्क ना कर सकता, लेकिन उस दिन इन्हें मां थकिया ते इन्हें जिहड़ी गल की थी ये गल ठीक है कि सब कुछ असाना खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर ने शेर मां इसी मौके ते याद आया है कि मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। गल ये है कि ये वक्त आना या मोइन या वक्त इस टलना नहीं है, इस टलना नहीं है